हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी फूड्स। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ मसाला पीनट की रेसिपी। इसके लिए चाहिए हमें 1 कप बेसन, आधा कप चावल का आटा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। अब हम इन सभी मसालों को बेसन में अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब हम डालेंगे 2 कप मूंगफली। मूंगफली की गिरियां इस सीज़न में बहुत आसानी से मिल जाती हैं, ये देखिए। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे। यहाँ हमें थोड़ा थोड़ा पानी लेना है जिससे कि हमें सिर्फ मूंगफलियों को अच्छी तरह से बेसन में लपेटना है, ये देखिए। तेल भी हमारा गरम है। अब हम एक एक करके सभी बेसन में लिपटी हुई मूंगफलियों को तेल के अंदर छोड़ देंगे, ये देखिए। और यह 1-2 मिनट तक हमें इसी तरह से फ्राई करनी है और लगभग 2-3 मिनट के बाद हमारी बेसन वाली मूंगफलियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हम कितने कम खर्चे में अपने घर में एक अच्छी नमकीन बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए हमारी सभी बेसन वाली मूंगफलियाँ बनकर तैयार हैं। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और इनके ऊपर 1 चम्मच चाट मसाला छिड़केंगे और इन्हें हल्के हाथों से टॉस करेंगे, ये देखिए। और हमारी मसाला पीनट बनकर तैयार है। हम इन्हें एयर टाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं 10-15 दिन के लिए। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। थैंक यू।